किसान भाई नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं नोटी फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाई, पपीता की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें किसान भाई काफ़ी कम खर्चे में और काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हमारे साथ में जो किसान है, इन्होंने पिछले साल भी पपीता की खेती की थी और काफ़ी अच्छा मुनाफा उसमें इन्होंने कमाया था। तो इस बार फिर इन्होंने पपीता के जो पौधे हैं वो लगाए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि किसान भाई किस तरीके से पपीता की खेती कर सकते हैं और इसमें क्या सावधानियाँ रखनी होगी और इससे हम कितना मुनाफा प्रति बीघा के हिसाब से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, एक बार उन्हें आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। मुकेश कुमार मेघवाल, गांव जरखाना, तहसील बड़ी साड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आपने ये जो पपीता के पौधे लगाए हैं, तो अभी आपने कितने पौधे लगा रखे? ये 500 पौधे लगाए मैंने, 500 एक बीघे में। एक बीघे में। तो जैसे आपने बताया कि आपने पिछली बार भी पपीता लगाया था, तो उसका कैसा रिजल्ट रहा, उसके बारे में आप थोड़ा सा? नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा और खर्चा भी कम आया। हाँ, और मुनाफा भी अच्छा मिला। अच्छा मुनाफा मिला। तो जैसे अगर हम एक बीघा में जैसे कोई गेहूं की फसल या फिर सोयाबीन की अगर हम फसल लगाते हैं और एक बीघा में अगर हम पपीता की फसल लगाएं, तो मुनाफे में कितना फ़र्क रहता है और मेहनत में कितना फ़र्क रहता है, वो थोड़ा सा? नहीं, मेहनत तो जब सोयाबीन लगाएंगे तो भी अपने को मेहनत तो करनी, वही मेहनत है जी। और गेहूँ में भी मेहनत तो है ही, पिलाई करो, ये करो, वो करो, उतनी मेहनत तो है ही नहीं इसमें। मेहनत भी कम है और मुनाफा ज़्यादा है इसे। अच्छा, तो जैसे आपने पिछली बार एक बीघा में 500 पौधे लगभग लगाए हैं, तो उससे आपको कितना मुनाफा मिला था? उसमें मुनाफा समथिंग 3 लाख का हुआ था। 3 लाख का मुनाफा, मतलब एक बीघा से आपको? हाँ, मैंने खुली सेल की थी तो 3 लाख का, अगर मंडी में बेचता तो 2 लाख तो हो ही जाता है। हो जाता। तो आपने जैसे खुली सेल की, तो उसमें आपको क्या रेट मिली थी? 20 रुपये प्रति किलो। प्रति किलो के हिसाब से आपको रेट मिली। अगर मंडी में आपको थोड़ा रेट कम मिला? मंडी में 10-12 रुपये का भाव चल रहा था। तो जैसे अभी आपने जो पौधे लगाए हैं, वो कौन सी वेरायटी और कितनी दूरी पर लगा रखे, वो आप थोड़ा सा? ये रेट ले रखा है, लगा रखा है 786 जी, और ये 6 फीट की दूरी पर लगा रखा। और यूँ पौधे 6x7 पे, 6x7 की दूरी पे आपने लगा रखे। तो जैसे कब आपने इसकी खेत में पौधे लगाए थे, वो आप थोड़ा सा? ये तो गर्मी में 14 अप्रैल को लगाए थे। 14 अप्रैल को। तो जैसे जब आपने इसके पौधे खेत में लगाए, तो खेत की तैयारी किस तरीके से की, और जैसे हम पौधे लगाते हैं तो क्या सावधानियाँ रखते हैं, तो वो थोड़ा? सावधानियाँ तो कुछ नहीं है, मच्छर वच्छर का ध्यान रखो, बाकी तो गर्मी में तो पिलाई करो, 2-5 दिन में पिलाई करता रहो बस। तो जैसे खेत में लगाते हैं, तो जैसे आपने भी ये मेड़ बना रखी है, तो किस तरीके से ये बनाते हैं, या उसके बारे में आप थोड़ा सा? ये मेड़ तो मोरबे से कर रखा था मैंने, फिर बाद में देसी खाद, पहले पपीता लगाने में पहले देसी खाद की जरूरत पड़ती है, अगर देसी खाद नहीं होगा तो पपीता सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस नहीं होगा। और देसी खाद डाला, फिर बाद में वो दोरे निकाल दिया, दोरे से फिर बाद में एक पौधा 6x7 भी लगा दिया। 6x7। तो जैसे आपने अभी 500 पौधे भी लगा रखे हैं, तो ये पौधे आपको किस रेट में मार्केट से मिले हैं, वो आप थोड़ा सा? ये तो पर पौधा 30 रुपये के हिसाब से मुझे मिले। 30 रुपये के हिसाब से आपको? तो एक बीघा में टोटल कितने पौधे लगे? 500 पौधे। 500 पौधे लगते हैं। तो जैसे कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहे, तो उसे क्या सावधानियाँ रखनी होगी और इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको कितने टाइम बाद मिलता है, वो थोड़ा? ये तो प्रोडक्शन तो देख लो, 8 महीने तो इंतजार करना ही पड़ेगा। 8 महीना और मेहनत भी, और अगर बगीचा लगाओ तो बगीचे में देख लो कहीं पर भी हो, लेकिन एक राउंड तो बगीचे में लगाना ही लगाना। ये इसमें क्या है, हाँ डेली का, इसमें क्या एक वायरस आता है जी। अगर ये वायरस अपने बगीचे में घुस गए तो समझो बगीचे ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो मतलब मेन बीमारियों का ही रहता है बस, वायरस का। अगर वायरस आ ही गया तो वो पौधे को उखाड़ के फेंक दो, बस, बाकी और कोई नहीं। तो जैसे अगर आप एक बीघा में जैसे आप लगाते हैं, तो आपको कितनी लेबर चाहिए होती है या फिर कितना खर्चा रहता है, वो आप थोड़ा सा बताइए? देखो, हम घर के, घर का ही काम करते हैं। अच्छा, 2 भाई है और दोनों भाई की मिसेज भी है, ये काम करते हैं। मतलब आपको 3-4 जने मिल गए? 4 जने। 4 जने मिल के आप मतलब कर सकते हैं। जैसे कोई किसान भाई इसकी खेती करना चाहे, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, वो आप थोड़ा मतलब आपका क्या कहना है पपीता की खेती के बारे में? पपीता की खेती में तो मैं यही कहूँगा कि अगर जॉब को कोई, ये देख लो ये जॉब ही है, समझ लो जॉब ही। हाँ, कई बार जाते हैं अपने यार, 8,000 महीने में, 10,000 महीने में अपने काम करते हैं, एक साल में कितना कमाते हैं, उससे 4 गुना पपीता में कमा लगा। अगर वो मन लगा के वो जो वहाँ नौकरी करेगा, उसी हिसाब से ये पपीता की खेती में करेगा। तो जैसे अगर कोई किसान भाई ये वीडियो देख के अगर कि मैं भी पपीता की खेती करूँ, अगर ऐसी कोई शुरुआत करना चाहे, तो आपसे क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़मीन, कितने पौधों से पहली बार शुरुआत करें और उसे कितने पौधे लगाने चाहिए शुरू में? पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पौधे लगा के देख लो जी, लेकिन सक्सेस जाएगा 100%। तो मतलब फेल तो होता ही नहीं है जी। एक बार पूरा ध्यान रखेगा, कम पौधे लगाएगा तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सही है। गए साल मैंने भी 500 पौधे लगाए थे, उसमें से 100-150 पौधे मिक्स हो गए थे, क्योंकि नया नया था नया नया था इसके लिए।
तो जैसे आपका मार्केट जैसे आपने ओपन में बेचा तो आपका मार्केट कहाँ है, और अगर आप मंडी में ले जाते हैं तो मंडी का मार्केट आपसे कितना दूर रहता है, वो आप थोड़ा समझे। मंडी से देख लो 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बस। और ओपन में जैसे आप कहाँ बेचते हैं? ओपन में अपने जैसे अपने पूरा खेती है, वो बगीचा है, वो रोड पे ऊपर ही है। हाँ। तो मैंने रोड पे ही सेल किया था। अच्छा, रोड के ऊपर आपने बना दिया और लोग ग्रिल करते हैं। बस हाँ। तो ये काफी अच्छी चीज है किसानों के लिए। हाँ। तो आते जाते ले जाते लोग। अच्छा, तो जैसे अभी ये जो पौधे इतने बड़े हो गए हैं, तो अभी आप इसमें क्या खाद वगैरह देंगे, या फिर जब बुआई की तो कौन सी मतलब अलग से खाद? तो मैंने देख लो जब पौधे लगाए थे उसमें ट्राइकोडर्मा है, जैसे वर्मी कम्पोस्ट है, ब्लू कॉपर है, उस जड़ के लिए दिया था। अच्छा। और फिर बाद में स्प्रे तो ये करते हैं अपने पौधा बनाने के लिए है, फल फूल के लिए है। अच्छा। ये दवाई स्प्रे कर रहा हूँ मैं। तो जैसे अगर किसान भाई एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करे और अगर अच्छा उत्पादन उन्हें मिले, तो एक पौधे से लगभग कितना उत्पादन वो ले सकते हैं, कितना किलो तक पपीता एक पौधे पर लगता है? अगर सही साठ मेहनत करेगा तो देख लो समथिंग 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल तक आराम से माल उतर जाएगा। आपने मतलब अधिकतम कितना उत्पादन एक पौधे पे तक? मैंने यही उतारा है, यही उतारा। तो आपने काफ़ी चीज़ जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई उम्मीद है कि आपको पपीता के बारे में काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान पते शेयर जरूर करें। धन्यवाद।